red team. Enemy down. PUBG को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है? इंडिया गवर्नमेंट ने PUBG को क्यों बैन किया, क्यों बंद किया? आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइन में। PUBG यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये एक उत्तर कोरिया की कंपनी थी। ये 9 फरवरी 2018 को इंडिया में लॉन्च किया था। ये जो पहले प्ले स्टोर में आया था इंडिया को एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, 1.2 GB का था। ये धीरे धीरे अपडेट होके होके ये 2.2 GB तक धीरे धीरे बढ़ गया था। मतलब इसका जो लेटेस्ट वर्जन था, ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ये आगे जा रहा था। मतलब इतने तेज़ी से जा रहा था, फिर क्या किया इंडिया गवर्नमेंट ने, इसको बैन कर दिया। इसकी पूरी कारण क्या है? कारण ये है, ये एक उत्तर कोरिया की कंपनी था, इसको बाद में चाइनीज़ कंपनी, एक टेंसेंट कंपनी है, ये इसको खरीद लिया। खरीदने के बाद ये हो गया चाइनीज़ कंपनी। पहले तो इंडिया गवर्नमेंट ने सारी कंपनियों को बंद करके रखा था, सारी चाइनीज़ कंपनी को। फिर से ये पबजी भी उसके साथ जुड़ गया, तो इंडिया गवर्नमेंट को मजबूरन इसको बंद करना पड़ा। इंडिया में टोटली इसका यूजर्स थे 175 मिलियन, मतलब टोटल वर्ल्ड में 734 मिलियन यूजर थे, उसमें से 175 मिलियन इंडिया के ही थे यूजर्स उसका। मतलब आसपास 24-25% इंडिया के यूजर्स थे। मतलब सोचिए, टोटल ऑल वर्ल्ड का जितना भी इसका यूजर थे, उसका 24% इंडिया का यूजर्स थे। तो भाई एक बात सोचना तो पड़ेगा आपको, 26% लोग जब इसको खेलना बंद कर देंगे, कंपनी को कितना बड़ा घाटा होगा। इंडिया तो पहले चाइनीज ऐप जो थे 117 ऐप बैन करके रखे हुए थे, फिर पबजी उसके साथ जुड़ गया 118 ऐप। मतलब 118 चाइनीज ऐप को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन करके रख दिया। एक बात बोलता हूँ, जितने भी पबजी लवर्स है वो बुरा मत सोचिएगा, जब कोई भी पबजी खेलता है ऐसे सीधा मोबाइल को पकड़ता है, ढा 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 ऐसे ही करता है, अरे इधर जा इधर आ, ऐसे करने से जितने भी उनके फैमिली के जितने भी लोग थे, सब फैमिली मेम्बर्स उनसे परेशान थे। तो सब फैमिली मेम्बर्स के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि पबजी बंद हो गया है और उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पबजी की इन्फॉर्मेशन। ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे नए नए इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। जय हिंद।